चलिए, हमने बच्चों 3 क्वेश्चन डिस्कस किए थे लास्ट जो प्रैक्टिस बैच था हमारा, ठीक है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट 7 क्वेश्चन हम टोटल 10 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एक सेट में। तो अगर कोई भी ये बैच ज्वाइन करना चाहता है इस नंबर पे कॉल कर सकता है, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करिए। माई ब्रदर, इसमें माई बच्चों और ब्रदर ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होने के कारण ये नाउन है। माई हमारा एक पोजेसिव एडजेक्टिव है, क्योंकि नाउन से पहले क्या आते हैं, डिटर्मिनर या एडजेक्टिव। ये सब्जेक्ट, ये इज आईएनजी नहीं है, तो यही आपकी मेन वर्ब है। मेन वर्ब है तो आगे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में या तो नाउन आता है या एडजेक्टिव। ये है एडजेक्टिव, ईएनटी से पता लग गया, ईएनटी वाले वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, ईएनसी वाले नाउन होते हैं एडजेक्टिव। और जब भी लिंकिंग वर्ब के बाद एडजेक्टिव होते हैं तो ये प्रेडिकेटिव यूज होता है, और प्रेडिकेटिव यूज होता है तो इधर वाला नाउन और इधर वाला नाउन अलग करने के लिए प्रीपोजिशन बीच में लगाई जाती है, नहीं तो एडजेक्टिव कंफ्यूज होगा कि ब्रदर इनडिफरेंट है या ये वाला नाउन, ठीक है, इसलिए लगानी पड़ती है कोई भी फिक्स प्रीपोजिशन, ठीक है। जैसे ही इज गुड एट इंग्लिश, ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, आई एम यूज टू, डिफ करनी पड़ती है अगर सिंपल, अगर लिंकिंग वर्ब लगी हो तो। कोई और वर्ब हो तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने लिखा आई वॉन्ट सम बुक्स, यहां तो कोई बीच में प्रीपोजिशन नहीं लगी सम और बुक्स के बीच में, क्योंकि ये इस तरफ से बता ही नहीं सकते, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब ही नहीं है। लिंकिंग वर्ब है जो इस तरफ से भी एडजेक्टिव काम कर सकता है। तो अभी आपकी होगी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या कंजंक्शन लगा के नाउन क्लोज भी आ सकता है, ऐसी बात नहीं है नाउन क्लोज पूरी की पूरी लाइन, या तो सिर्फ यू, अबाउट यू, खत्म नाउन या प्रोनाउन, या पूरी की पूरी लाइन भी आ सकती है प्रीपोजिशन के बाद। कहोगे वो तो कंजंक्शन के बाद आती है पूरी लाइन, तो हाँ भैया कंजंक्शन के बाद आती है, ठीक है वो पूरी लाइन होती है, बट प्रीपोजिशन के बाद नाउन क्लोज तो आ सकता है। नाउन क्लोज मतलब एक कंजंक्शन लगी हुई है तब जाके नाउन क्लोज आया हुआ, ऐसे समझो। ही सैड वट समथिंग, ही सैड डैट ही वुड पास, ही वुड पास, इसमें ऑब्जेक्ट समथिंग है, इसमें पूरी लाइन है। कंजंक्शन होती तो ये पूरा सब्जेक्ट से स्टार्ट होता ना, एक और कंजंक्शन थोड़ा आती, प्रीपोजिशन है तभी कंजंक्शन लगा के नाउन आएगा या सिंपल नाउन आएगा, तो ये नाउन क्लोज है पूरा का पूरा, वट एवर आई से, ठीक है बच्चों। सब्जेक्ट और वर्ब हो गया ये क्लोज का। अब आपको इसमें एरर बताना है, कहां एरर है, बाकी सब तो सही है। माई ब्रदर इनडिफरेंट का मतलब उदासीन, जिसको कोई मतलब नहीं, जो भी मैं कहता हूं मेरा ब्रदर इनडिफरेंट है, उदासीन है, उसे कोई मीनिंग नहीं है। इनडिफरेंट के साथ बच्चों फिक्स जो प्रीपोजिशन लगती है, ये फिक्स प्रीपोजिशन याद करनी पड़ती है, किस एडजेक्टिव के साथ कौन सी लगेगी। इनडिफरेंट के साथ फिक्स है बच्चों टू आ गई, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, अरे बताइए इसमें नेक्स्ट में। No sooner did the sun rise when we resumed the journey after having a hasty breakfast, ठीक है। Did और rise मतलब past indefinite tense, ज्यादातर no sooner वाले क्लोज के साथ had भी थी, past perfect, और दूसरी तरफ v2 लगता है, पर दोनों साथ साथ हो तो v2 से ही काम चला लेते हैं कई बार, यहां भी v2 second क्लोज भी v2, तो ये no sooner एक adverb है, comparison करने वाला adverb, time का comparison करता है इस बात का उस बात से, कंपैरिजन। सूनर देखो डिग्री भी दिख रही है ना, या तो एडवर्ब की होती है कंपैरेटिव डिग्री या एडजेक्टिव्स की होती है, ये एक एडवर्ब है, ठीक है। और जब भी सेंटेंस के आगे एडवर्ब आ जाते हैं तो इन्वर्जन हो जाता है। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब का सब्जेक्ट से पहले आ जाना, ये सिर्फ क्वेश्चन में ही नहीं होता, अगर ये सीखना है तो एडवर्ब का जो कंप्लीट एडवर्ब मैंने डाल रखा है वीडियोस उसे देख सकते हो, इन्वर्जन क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है, ठीक है। जब भी एडवर्ब आगे उन नेगेटिव वाले, कोई भी एडवर्ब कंपैरिजन करने वाले, ठीक है, फ्रीक्वेंसी वाले, ये टाइम का कंपैरिजन करने वाला एडवर्ब आगे आ गया तो ये हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, ये सब्जेक्ट मेन वही रही, अब तक सब सही है। अब दूसरे क्लोज को ज्वाइन करने के लिए एक और क्लोज है ना वी, सब्जेक्ट ये इसकी वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये फ्री में लगाओ डिटर्मिनर आर्टिकल हो गया, ये अगले क्लोज को जोड़े कंजंक्शन लगेगी, बट नो सूनर एक कंपैरेटिव एडवर्ब है तो कंजंक्शन भी कंपैरिजन वाली लगेगी देन, ठीक है ना। जो हार्डली स्कार्सली के साथ वैन लगती है, आगे बात समझ, ये इस क्लोज को ज्वाइन करने के लिए लगी जर्नी। अब एक चीज हो रहा है, अगर ये जर्नी वी रिज्यूम द जर्नी वैन,
मतलब ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब भी आ सकते हैं ना, तो वो प्रीपोजिशन लगा के एडवर्ब भी आ सकते हैं आफ्टर 2 पीएम या जो भी है। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है, नाउन। हैव तो वर्ब है, इसे नाउन बनाना पड़ेगा। कैसे पता लगा ये वर्ब है, देखो आगे ऑब्जेक्ट ले रही है और ऑब्जेक्ट लेने का दम वर्ब में ही होता है, तो इसे नाउन कैसे बनाऊं, हैव को आईएनजी लगा दो बन गया नाउन। किसी भी वी1 के आगे आईएनजी लगाओ नाउन बन गया, प्रीपोजिशन के बाद जेरेंडी बनता है नाउन। ठीक है, हैविंग व्हाट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ले रहा है तो वर्बल नाउन ही बनाना पड़ेगा। सिंपल नाउन के बाद दोबारा ऑब्जेक्ट आ ही नहीं सकते, वर्बल नाउन के बाद ही आता है, तो दोबारा ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो ये ले लिया ऑब्जेक्ट, ये रहा, ये फ्री में लगा हुआ एडजेक्टिव और डिटर्मिनर्स, हैश्टी मतलब जल्दबाजी में। ठीक है, एरर हो गया। नेक्स्ट देखिए, शी वॉज एक्यूज फॉर मर्डर ऑफ हस्बैंड बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी एंड एक्विटेड हर। चलो देखते हैं, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज, फिक्स प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद नाउन, मर्डर ऑफ, फिर दो नाउन को अलग करने के लिए प्रीपोजिशन। वैसे ये एडजेक्टिव क्लोज है, अगर कोई पूछ ले तो, ऑफ हर हस्बैंड एडजेक्टिव फ्रेज है, सॉरी। प्रीपोजिशन और नाउन या तो एडजेक्टिव होते हैं एडवर्ब होते हैं, ये एडजेक्टिव है क्योंकि मर्डर ऑफ का, जब भी ऑफ नाउन को डिफाइन कर रहा है, ये नाउन को डिफाइन करता है, एडजेक्टिव होता है। तुम सिंपल रख लो, दो नाउन को अलग करने के लिए प्रीपोजिशन लगती है ना, तो ये लगी हुई है। मर्डर ऑफ हर हस्बैंड, हर फ्री में लगा हुआ एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन का नाउन का है, ये रहा नाउन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन है तो बट कंजंक्शन से दूसरा क्लोज जोड़ दिया, बट आर्टिकल, दूसरे क्लोज का सब्जेक्ट नाउन, फाउंड मेन वर्ब। अब ये फाउंड का स्ट्रक्चर याद रखो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाला होता है। फाउंड का ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये एडजेक्टिव है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की पोजीशन पता है ना, ऑब्जेक्ट के बाद आता है। फाउंड हर व्हाट क्यों आता है, क्योंकि ये पहले से गिल्टी नहीं था, इस वर्ब के कारण पैदा हुआ है। जब भी वर्ब के कारण एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पैदा होते हैं तो वो बाद में लिखे जाते हैं, इन्हें कहते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कई चीजें, जैसे मैंने लिखा आई मेड स्पेशल बर्थडे, ये गलत है। आई मेड हिज, पहले से स्पेशल नहीं था, आई मेड हिज बर्थडे व्हाट स्पेशल, यहां लिखा गया। एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये ऑब्जेक्ट। ऐसे आई मेड हिम कैप्टन, पहले से कैप्टन नहीं था, इस वर्ब के कारण क्रिएट हुआ, तो ये इधर आएगा, आई मेड हिम कैप्टन, ये ऑब्जेक्ट, ये इसका कॉम्प्लीमेंट, नाउन या एडजेक्टिव हो सकता है। ठीक है, नोट एडवर्ब ऑफ नेगेशन है जो गिल्टी को नेगेटिव कर रहा है, क्योंकि एडजेक्टिव या नाउन को नोट लगा के नेगेटिव करते हैं, ही इज नॉट ए सिंगर, ही इज नॉट गुड, हो गया। बट द कोर्ट फाउंड हर नॉट गिल्टी, ये इसका पूरा हो गया, ये वर्ब है। ये एंड लगता है जब भी दो सेम चीजों को ज्वाइन कर रहा हूं, किसको ज्वाइन कर रहा है, फाउंड और एक्विटेड, ये V2 है तो ये भी V2, एक्विटेड का ऑब्जेक्ट हर। ठीक है, चलो तो ये क्वेश्चन है, एरर कहाँ है। एक्यूज्ड, एक्यूज्ड के साथ फ्री फिक्स प्रीपोजिशन गलत लगा रखी है, जैसे इनडिफरेंट के साथ गलत लगाई थी ना, टू, एक्यूज्ड के साथ लगती है, एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, दोषी है किस चीज का, मर्डर का, एक्यूज्ड ऑफ। तो ये अब क्वेश्चन हमारा ठीक हो गया। तो ये तीन क्वेश्चन थे, बड़े अच्छे थे, सब सीखने वाली चीजें थी, कर सकते हैं हम नोट। इसमें कोई भी चीज, देखो मैं बार बार कह रहा हूं, ये उन्हीं के लिए जो मेरे से पढ़ चुके हैं, सिंपल बात ही है। किसी को भी इसमें कोई डाउट है, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जैसे भी है। ठीक है, और जिनको ये बात नहीं समझ आती तो मैं बार बार कह रहा हूं, पहले कंप्लीट इंग्लिश का कोर्स करिए, उसमें ये सब चीजें समझ आ जाएंगी, फिर ये ज्वाइन कर लीजिएगा। देन चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन एक एक्टिव पैसिव का, मैंने एक डाल दिया इस प्रैक्टिस सेट में, एक एक्टिव पैसिव का। वैसे हम एरर ही करेंगे आगे वाली क्लासेस, हम प्रैक्टिस एक्टिव पैसिव का अलग से निकालेंगे एरर सीरीज किसी दिन, डिफिकल्ट वाले एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक डाल दिया, वैसे ही नॉलेज हो जाएगी इस पार्ट ऑफ स्पीच की, इसमें भी आपको। ठीक है, तो आज ये वीडियो हम फ्री में अवेलेबल कर देंगे सबके लिए यूट्यूब पे, डेमो ताकि मिल जाए सभी को, उसके बाद उन्हीं को मिलेंगे वीडियो जिनने का रजिस्ट्रेशन है बच्चों। ठीक है, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, बताइए इसमें क्या आंसर आएगा इसका। चलो चेक करते हैं, पहले मैं तुम्हें एक बात बना चाहता हूं, एक्टिव पैसिव होता क्या है। V1 का पैसिव इज एमआर V3, V2 का पैसिव वाज वर V3, जेरेंड भी तो एक वर्ब ही है, V1 प्लस बी की फॉर्म प्लस V3 लगना ही लगना है पैसिव में। इसकी बेसिक शक्ल ING है, तो लो बेसिक शक्ल बना दी, बी की फॉर्म प्लस V3, जेरेंड का पैसिव। और नॉन फाइनाइट वर्ब है तो नाउन, मैंने लिखा आई लाइक स्विमिंग,
है तो नाउन बट वर्ब भी तो है, तो इनका कोई डूअर तो चाहिए ना सेंटेंस में। आई लाइक स्विमिंग मैंने बोल दिया, अरे कोई तो होगा तैरने वाला, क्योंकि ये सिर्फ नाउन थोड़ा है, कार स्कूटर की तरह वर्ब भी तो है, किसी को तो इधर इनके साइड कोई डूअर है तो ये एक्टिव फॉर्म में लिखी जाती है, रिसीवर अगर है तो पैसिव फॉर्म में लिखी जाती है। जैसे मैं बोलता हूँ स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, क्यों बोलते हैं एक्टिव में स्विमिंग, क्योंकि कोई तो तैरने वाला है। बट अब मैंने लिखा मैं डरता हूं, आई एम अफ्रेड ऑफ, गाने से नहीं पिटने से कि मुझे मत पीटो, तो इस साइड तो दूर दूर तक रिसीवर है, तो यहां पे बीटिंग नहीं आएगा, बीइंग बीटन आएगा, इस पे काम हो गया, रिसीवर है दूर दूर तक, डूअर ही नहीं है, पैसिव आएगी, तो इस पे बेस करो। देखो प्रीपोजिशन आफ्टर ये रहा नाउन, ड्राइविंग का मतलब एक तो ड्राइव करना होता है, आई कैन ड्राइव अ कार, एक होता है किसी को छोड़कर आना। आफ्टर ड्राइविंग मोहन टू द हॉस्पिटल ही, ये ही क्लोज है, ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, चाहे उधर फेंक दो इसको, चाहे एडवर्ब बनकर बैठा जो, ही ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस। अब ये नाउन जो है एक्टिव फॉर्म में क्यों आया जेरेंड, क्योंकि इससे रिलेट हो गया दूर से, ही से, ही से रिलेट हो गया कि ही छोड़कर आएगा, तो डूअर मिल गया, तो एक्टिव फॉर्म में लिखा। और ये अपने आप को वर्ब मानता है, किसको छोड़कर आना, मोहन को, और ये ऑब्जेक्ट के बाद एडवर्ब भी आ सकती है, ये वर्ब भी तो होती है नाउन के साथ, कई बार बता चुका हूं, ऑब्जेक्ट और ये एडवर्ब, कहां एडवर्ब आ गया, ये सेंटेंस का सब्जेक्ट है, इससे रिलेट हो गया तो एक्टिव फॉर्म में लिख दिया। ड्रॉप्ड हिम एट हिज गेस्ट हाउस, ड्रॉप्ड हिम मतलब वी टू है, तो कहीं ना कहीं वाज वी थ्री से पैसिव बनेगा, चेक करते हैं। लो After being driven, डरने की जरूरत नहीं है। अब ये पैसिव पता है क्यों लिख दिया, After being driven, जिसको छोड़ा गया, पहले इधर ही था तो एक्टिव लिखा, अब यहां दूर दूर तक जिसको छोड़ा गया, जो छोड़ रहा है वो है ही नहीं, जिसको छोड़ा गया वो है, यहां हमने मोहन लिख दिया, यहां गलती से डॉक्टर बोस लिख दे, यहां भी डॉक्टर बोस ही लिख लो, डॉक्टर बोस, ठीक है चलो बताओ। अब यहां पर दूर दूर तक छोड़ने वाला नहीं है, जिसे छोड़ा गया वो है, तो रिलेट डॉक्टर बोस से हुआ ना, तो ये पैसिव आएगा। After being driven, जिन्हें छोड़ा गया, डॉक्टर बोस से रिलेट हुआ, तो ये पैसिव आएगा, इधर जिसने छोड़ा था वो आदमी था, तो एक्टिव आया, तो दूर से रिलेट हो गया, यहां तक तो चलो ठीक है, हमने जेरेंड की पैसिव फॉर्म लिख दी, बनती भी है एक्टिव पैसिव, बच्चों कुछ नहीं होता, रिसीवर मिले तो पैसिव लगाओ, डूअर मिल जाए एक्टिव लगाओ, कुछ नहीं होता बाकी। और वहां बोस मिला, पैसिव जेरेंड बना दे, एक्टिव लिखोगे सेंस ही नहीं आएगी, ठीक है। आफ्टर बीइंग डॉक्टर बोस, ड्रॉप के लिए डॉक्टर बोस रिसीवर है, बन गया पैसिव, छोड़ने के लिए भी क्या है, रिसीवर है, बन गया पैसिव, वाज ड्रॉप्ड, यही सही है, बाकी सब में तो टेंस ही बेकार आ रखे हैं, किसी में हैड ड्राइवन, वाज ड्राइविंग, सब गलत है, तो ये क्वेश्चन बनता है हमारा, बढ़िया क्वेश्चन था ये, सीख लीजिए, ठीक है। टी पैसिव का चलिए बच्चों, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आप देखो, हर मदर इज एंग्री, हर पोजेसिव एडजेक्टिव डिटरमिनर का काम करता है, नाउन मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट में ये गुस्सा है एडजेक्टिव, प्रेडिकेटिव यूज है, और उधर अलग नाउन है या प्रोनाउन है, तो बीच में प्रीपोजिशन चाहिए। अच्छा एंड है, तो दो एडजेक्टिव को ज्वाइन करके एक ही प्रीपोजिशन लगा दी, गलत बात, क्योंकि इनडिफरेंट के साथ अलग लगती है, एंग्री के साथ अलग लगती है, ये होगी दिक्कत। अब एंड के अकॉर्डिंग, कोऑर्डिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों टू लगा के मी तक पहुंच गए, प्रीपोजिशन तो लगेगी देखो एडजेक्टिव के बाद अगर प्रेडिकेटिव यूज होगा तो, एंग्री के साथ अगर किसी लिविंग के साथ एंग्री होते हैं तो विद लगती है, नॉन लिविंग के लिए एट लगती है, तो यहां पर आपको विद लगा के मी तक पहुंचना होगा, ये आसान सा क्वेश्चन। नेक्स्ट, बींग क्या है ये पार्ट ऑफ स्पीच में, अगर ये जेरेंड होता, कई लोग ना शुरू में आईएनजी देखते जेरेंड बोल देते हैं, अरे भाई जेरेंड होता तो वो सेंटेंस का सब्जेक्ट होता और आगे वर्ब जरूर दिखती तुम्हें दूर दूर तक। बींग ये अपने आप को वर्ब तो समझते हैं, चाहे जेरेंड है चाहे इन्फिनिटिव है, ये बींग लिंकिंग वर्ब भी होती है ना मेन वर्ब, तो ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट है, ये फ्री में लगा हुआ एडजेक्टिव आर्टिकल और ये नाउन, ठीक है, ये तो कॉम्प्लीमेंट है इसके, वर्ब है ना वर्ब, ये नॉन फाइनाइट वर्ब अपने आप को वर्ब समझती है सिर्फ, किस लिए, साउंड निकालने के लिए, ऑब्जेक्ट एडवर्ब सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि वर्ब के बाद ये सब आता है, तो इसलिए बस ये वर्ब समझ, इसे छोड़ो, ये अगर जेरेंड होता तो आगे वर्ब होती है तो नया सब्जेक्ट शुरू हो गया, ये है पार्टिसिपल, और पार्टिसिपल सेंटेंस में होते हैं एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव वो होते हैं जिन्हें नाउन की विशेषता बतानी होती है, तो इनको नाउन चाहिए, अकेले तो कभी नहीं आते, कहां है नाउन, कहां है नाउन, और ऐसे सेंटेंस का नाउन इधर होता है, इधर ये होता है नाउन, और आईएनजी वाला एडजेक्टिव हम तब लिखते हैं जब वो नाउन डूअर हो, जैसे मैंने लिखा बोरिंग मूवी, बोर्ड मूवी क्यों नहीं लिखा, बोर्ड पर्सन
अब V3 वाला लिखा, ऐसा क्यों? मूवी लोगों को बोर कर रही है, डूअर है ING वाला, पर्सन खुद बोर हो रहा है, खुद पे इफेक्ट आया, पैसिव सेंस, तो V3 वाला एडजेक्टिव लिखा जाता है। अब ING वाला लिखा है तो V डूअर होना चाहिए, पर V थोड़ा प्लेजेंट इवनिंग है, V बेचारा थोड़ा प्लेजेंट इवनिंग हो रहा है, ये तो हो गया गलत। मूवी तो बोर करती है, वी तो डूअर नहीं है, इसका मतलब पता क्या बन गया? एक अच्छी शाम होते हुए हम बन गए, हम जैसे अच्छी शाम होना गलत है, असली में सेंटेंस गलत है, इसका डूअर कोई और है। मतलब किसी भी दिन को, टेम्परेचर को, वेट को इट लगा के बताते हैं, टाइम को, इट इज 10 o'clock, इट इज रेनिंग, तो इसका डूअर इट है। अब कहाँ से लाएं इस एडजेक्टिव की विशेषता तो बतानी है, कहाँ से लाएं इट? तो अब या तो पूरा सेंटेंस वाप, ये दो क्लोज को एक क्लोज बनाया गया, ठीक है सिंगल क्लोज बना सकते हैं, या तो दोबारा सेंटेंस बना दो, इट वॉज ए प्लीजेंट इवनिंग बस, सो या फिर बिकॉज इट वॉज ए प्लीजेंट इवनिंग, या सिंस इट वॉज ए प्लीजेंट इवनिंग वी वेंट आउट। अब पूरा सेंटेंस बनाओगे तो वापस दो क्लोज बन गए, सिंगल क्लोज में मजा कैसे आएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब का यही तो मजा है, सिंगल क्लोज बना देती है, दो क्लोज का वर्ब एक ही रह जाती है, बाकी नॉन फाइनाइट आ जाती है। नॉन फाइनाइट वर्ब का यही मजा है, मेन वर्ब एक ही बाकी नॉन फाइनाइट, तो वो सिंगल क्लोज माना जाता है, कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। तो या तो वापस कंजंक्शन लगा के सेंटेंस बना दो, या फिर जो इसका डूअर है उसे एज इट इज यहां लिख दो ताकि पता लग जाए इट है, जो भी है प्लीजेंट इवनिंग इट लगा के छोड़ दो, कोई बीच में वाज लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्टिन्यूस टेंस मत बनाओ क्योंकि स्टेट वर्ब का कॉन्टिन्यूस टेंस बनता ही नहीं है और यह है एक स्टेट वर्ब, इनका कॉन्टिन्यूस टेंस बन ही नहीं सकता, तो बस इट लगा के छोड़ दो, अभी भी सिंगल क्लोज माना जाएगा, अभी भी ये पार्टिसिपल माना जाएगा। एक्शन वर्ब होती तो कॉन्टिन्यूस टेंस बना देते, तो इट लगा दिया। नेक्स्ट लिटल, डिटरमिनर या एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये थोड़ी नॉलेज, डिटरमिनर होता है ये, नॉलेज सब्जेक्ट, ऑफ प्लेइंग फील्ड प्रीपोजिशन, क्योंकि दो नाउन साथ आ नहीं सकते, एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा प्रीपोजिशन का, और होता कुल मिला के ये प्रीपोजिशन एंड एडजेक्टिव या एडवर्ब है, ये एडजेक्टिव फ्रेज है, नॉलेज की विशेषता है, ऑफ वाला हमेशा एडजेक्टिव होता है। प्ले तो वर्ब है, इसे नाउन बनाया क्योंकि आगे देखो ऑब्जेक्ट भी ले रही है, तो वर्बल नाउन ही चाहिए, प्ले को नाउन बना दिया ING वाला, क्योंकि सिंपल नाउन होता तो ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकता, वर्बल नाउन आ गया जेरेंड, ठीक है ये प्रीपोजिशन है जेरेंड। डैट शी पोसेस्ड लिटल नॉलेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल, डैट शी पोसेस्ड, डैट शी पोसेस्ड, ये कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन है, किसके लिए आया ये? एंटीसीडेंट इस पूरी लाइन के लिए, लिटल नॉलेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल जो उसके पास है, लिटल नॉलेज, डैट शी पोसेस्ड, ये नया क्लोज का सब्जेक्ट और वर्ब, नए क्लोज का सब्जेक्ट और वर्ब, लिटल नॉलेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल प्रूव्ड, इस पूरे सब्जेक्ट की वर्ब कहाँ है? ये री जाकर, ये री, इस पूरे सब्जेक्ट की है, तो ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, ये तो है सब्जेक्ट, ये री वर्ब, ये रहा फर्स्ट क्लोज प्रूव्ड, ये रहा सेकेंड, प्रूव्ड हो गया, ठीक है, और ये सेकंड क्लोज कंजंक्शन, और ये डैट रिलेटिव प्रोनाउन है जो कंजंक्शन प्लस प्रोनाउन बनकर बैठा है यहाँ पर, इस लिटल नॉलेज को रिप्लेस कर रहा है एंटीसीडेंट को, शी प्रोसेस्ड, ये इसका क्लोज और ये मेन क्लोज, ये कंजंक्शन वाला क्लोज, ये मेन क्लोज, लिटल नॉलेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल प्रूव्ड, ये वर्ब होगी मेन क्लोज की, प्रूव्ड अपने आप को वर्ब मानता है, आगे ऑब्जेक्ट लेगा, प्रूव्ड व्हाट, अच्छा बी तो वर्ब होती है, नाउन बना दिया, प्रूव के बाद इन्फिनिटिव आता है क्योंकि आगे जाने की सेंस हो तो इन्फिनिटिव, साथ साथ की हो तो जेरेंड बन गया, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा जेरेंड ही आता है नाउन बनकर, ये अपने आप को वर्ब मानती है, बी की फॉर्म है ना, लिंकिंग है तो एडजेक्टिव ही आने आगे, अगर ढंकी वर्ब होती है ऑब्जेक्ट या एडवर्ब आ जाते, लिंकिंग है तो एडजेक्टिव आ गया, फुल वाले वर्ड एडजेक्टिव होते। व्हेन ये वर्ब मानती है, चाहे बन के नाउन बैठी है, इसीलिए आगे ऑब्जेक्ट एडवर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब फिर भी आ सकते, एडवर्ब कभी भी आ सकते हैं, ऑब्जेक्ट लिखने के बाद एडवर्ब, लिंकिंग वर्ब हो तो एडजेक्टिव लिखने के बाद एडवर्ब, कभी भी ये आगे एडवर्ब आ गया एट द टाइम ऑफ प्रीपोजिशन का नाउन एडवर्ब है, ठीक है, व्हेन प्रीपोजिशन एट और वो एडवर्ब ही बनेगा, ये नाउन हो गया, फिर दो नाउन अलग करें, है ये कुल मिला के एडजेक्टिव प्रीपोजिशन और ये इसका नाउन, ये फ्री में लगा हुआ एडजेक्टिव, ऑफ वाले फ्रेज एडजेक्टिव होते हैं क्योंकि कौन सा टाइम, इनॉग्रल मैच का टाइम, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है टाइम के लिए, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। एरर क्या है, लिटल का मतलब ना के बराबर, अ लिटल का मतलब थोड़ी बहुत, द लिटल का मतलब जितनी भी है काफी है, बताओ क्या सेंस आ रही है, लिटल नॉलेज ऑफ प्लेइंग फुटबॉल डैट शी प्रूव टू बी हेल्पफुल, जितनी भी उसको नॉलेज थी ना, जो भी उसके पास थी हेल्पफुल सिद्ध हुई,
एट द टाइम ऑफ इनॉग्रल मैच, उस टाइम पर। तो यहाँ पे ना ना भर के बराबर सेंस नहीं आ रही, थोड़ी बहुत की सेंस नहीं आ रही कि थोड़ी बहुत नॉलेज थी उसको, जितनी भी थी, जितना भी था दूध वो पी गया, जितना भी पानी था खत्म हो गया, दा लिटल दा अपने आप सेंस आ जाती है दा की, ठीक है। सबको कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, वहाँ ए लिटल अच्छा लग रहा है, यहाँ पर जितनी भी है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो यहाँ दा लिटल आना था बस, और कोई बात नहीं है। ना ना के बराबर की सेंस है ना थोड़ी बहुत, जितनी भी थी प्लेइंग फुटबॉल की प्रूव कैसी हुई, यूं तो नहीं बोलोगे थोड़ी बहुत जो उसको नॉलेज थी वो प्रूव हुई, अरे जितनी भी उसके पास थी प्रूव, ठीक है ना। तो ये हमारे सेंटेंस थे। तो अगर आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कर सकते हैं, और जो भी नहीं कर सकते हैं शेयर करें। और जिन बच्चों ने भी यह बैच ज्वाइन करना है, आप कल से परसों से कभी भी कर सकते हैं, आपको लिंक मिलना शुरू हो जाएगा आपके व्हाट्सएप के नंबर पर, ठीक है, फर्स्ट वीडियो से। ज्वाइन कैसे करना है इस बैच को, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। इस नंबर पर क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं इस प्रैक्टिस बैच को ज्वाइन करने की, 870-824-322 व्हाट्सएप कर लीजिए या फिर कॉल कर लीजिए। थैंक यू।